हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विश्वी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब भी आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जॉडिक साइन की है, तो आपका जो भी जॉडिक साइन हो ये रीडिंग आपसे मैच जरूर करेगी। गाइज, आज हम रीडिंग करने वाले हैं, क्या आपके पर्सन को आपकी फिक्र है? ठीक है, आज हम इस पर रीडिंग करते हैं। क्या उनको आपकी फिक्र है? क्या उनको आपको तकलीफ देकर बुरा लगता है? चलिए गाइज, करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं क्या निकल कर आता है। प्लीज एंजल्स, बताइए क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को मेरे व्यूअर्स की कदर है, मेरे व्यूअर्स की फिकर है? ठीक है, क्या उनको इनके प्यार का एहसास है? ठीक है, जो भी निकल कर आएगा प्लीज बताइए, मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगी। एक कार्ड नीचे जा रहा है, दो हैं, चैरियट, टेम्परेंस, ये तो भागने की सोच रहे हैं। और देखते हैं, बताइए एंजल्स प्लीज, बहुत सारे कार्ड्स हैं। ओके, यहाँ से आ रहा है फाइव ऑफ सोर्ड्स, यहाँ से आ रहा है फोर ऑफ वैंड्स, क्या बात है। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को मेरे व्यूअर्स की फिकर है? क्या उन्हें फर्क पड़ता है इनको दुख में देखकर? क्या उन्हें इनके प्यार का एहसास है? प्लीज बताइए एंजल्स, कितने हैं? ओके, सेवन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ कप्स, और देखते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, ये काफी सारे हैं। सिक्स ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स। ओके, एट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, एट ऑफ वैंड्स, कार्ड्स तो बहुत अच्छे निकल कर आए हैं। तो क्या आपके पर्सन को आपकी फिकर है गाइस? चलिए मैं आपकी पर्सन की एनर्जीज बताती हूँ तो आपको समझ में आएगा कि आपके पर्सन को आपकी फिक्र है या नहीं। ठीक है, तो मुझे गाइज, ये जो भी पर्सन है आपके, ठीक है, इनका मुझे ऐसा दिखाई दे रहा सीन। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्पिरिचुअल कनेक्शन दिखाई दे रहा है मुझे आपका इस पर्सन के साथ। ठीक है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके अलावा आपके पर्सन, आपके पर्सन टेन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में है इस टाइम। मतलब ये पर्सन बहुत दुख में है, तकलीफ में मुझे दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा मुझे यहाँ पर इनको देखकर लग रहा है कि इस समय आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं जैसे इनको किसी ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया हो, पूरी तरीके से तोड़ दिया हो, इनकी लाइफ की खुशियां छीन ली हों, और इनको ऐसा कर दिया हो जैसे एक टाइम आता है ना जब इंसान बोलता है कि मैं कहीं का नहीं रहा। तो इस तरीके की एनर्जीज मैं आपके पर्सन की ले पा रही हूँ इस टाइम, देख पा रही हूँ। तो तकलीफ में मुझे आपके पर्सन पूरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि कितना ज्यादा यहाँ पेन है गाइस, कितने ज्यादा। इसके अलावा मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा लोगों से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं इस टाइम। आपके पर्सन की बन नहीं रही है किसी के साथ। ये अगर ये कहीं पर काम करते हैं, ऑफिस में रहते हैं, तो वहां भी ये सीधे मुंह बात नहीं करते लोगों से, उनसे लड़ाई हो जाती है। घर में रहते हैं तो पेरेंट्स से, अगर भाई बहन है तो उनसे लड़ाई हो जाती है। कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, दोस्तों से लड़ रहे हैं,
ठीक है, क्योंकि क्या होता है गाइस, जब इंसान का माइंड स्टेबल नहीं होता या वो अंदर से खुश नहीं होता है तो उसे किसी की बात अच्छी नहीं लगती। उस टाइम वो हर इंसान से चिड़चिड़ाता है या कोशिश करता है दूरी बनाने की, और कोई थोड़ा सा भी अगर उससे कुछ कह दे या ट्रिगर कर दे तो वो जस्ट फटता है। ठीक है, तो उसी तरीके की एनर्जीज में मुझे आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें इस टाइम कोई भी अच्छा नहीं लग रहा और ये लोगों से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे आपके पर्सन यू नो काफी ज्यादा ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इशू भी है। ठीक है, ये फाइनेंशियली भी सफर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पैसे की तंगी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, कोई किसी तरीके का लॉस, किसी तरीके का बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम या फिर किसी भी तरीके का मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये तीनों कार्ड्स भी यही दिखा रहे हैं। इसके अलावा इस पर्सन के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत है, टेन ऑफ वेंट्स दिखा रहे हैं कि इसके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत है। ठीक है, तो ये पर्सन बर्डन में भी है। एंड यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड्स निकल कर आया, ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन छुपते छुपाते लोगों से भाग रहे हैं। मतलब ये पर्सन मुझे यहाँ पर चीजों से भागते हुए दिखाई दे रहा है, लोगों से भाग रहा है, छुप रहा है। ठीक है, ये अपनी ही खुद की जो एनर्जीज हैं, अपनी ही खुद की जो इंडिपेंडेंट एनर्जीज हैं, ठीक है, उनको ये नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे, इन्हें हर चीज से एक आपके पर्सन की लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये वो होता है ना गाइस कि आपको पता है कि आपको यहाँ पर स्टैंड लेने की जरूरत है, आपको पता है कि आपका इस समय ये चीज जरूरी है, ये काम करना जरूरी है, उसके बाद भी आप इग्नोर करते हो चीजों को और आप भागने की कोशिश करते हो। मतलब एक इंसान होता है जो दूसरों से भागता है, एक इंसान होता है जो खुद से भागता है। यहां मुझे आपके पर्सन की जो एनर्जीज दिखाई दे रही है वो ऐसी कि आपके पर्सन आपसे तो भाग ही रहे हैं, खुद से भी भाग रहे हैं। ठीक है, ये जानते हैं कि इनका बहुत जरूरी है खुद का फैसला लेना, खुद की एनर्जीज में रहना, लेकिन ये उनमें रहना नहीं चाह रहे और भागने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज है। प्लस यहाँ पर ये भी है कि एट ऑफ सोर्ट्स है, इसका मतलब है कि ये इंसान अपने आप को स्टक समझता है, इसको ऐसा लगता है कि ये बंद गया है, कहीं भाग नहीं सकता और इसको ऐसी ही जिंदगी जीनी पड़ेगी जहां इसकी लाइफ का कंट्रोल दूसरों के हाथों में होगा। आपके पर्सन की लाइफ का कंट्रोल इनके खुद के हाथों में नहीं है, दूसरों के हाथों में है, और यही आपके पर्सन की अभी राइट नाउ फीलिंग्स हैं। ठीक है, अभी हमारी रीडिंग थी इस चीज पर कि आपके पर्सन क्या आपकी फिक्र करते हैं। एक बात बताइए गाइज, आप जब भी रीडिंग देखते हैं, ठीक है, और अगर आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी निकल कर आ रही हैं जहां पर पूरी तरीके से जो भी पर्सन है वो स्टक है, वो तकलीफ में है, लोगों से उसकी बन नहीं रही है, वो अपने ही आप से भागने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर दुनिया भर का वर्डन है, तो इतना तो क्लियर होता है इन एनर्जीज को देख के कि इंसान खुश तो नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोगों में से कुछ लोग जो ये सोचते हैं कि आपके पर्सन को आपसे दूर कर दिया डिवाइन ने, ठीक है, या फिर किस्मत ने, या फिर जो भी हुआ, तो आपके पर्सन तो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, आप ही तकलीफों का शिकार हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि ये इंसान, ठीक है, आपका सेपरेशन किसी भी कारण क्यों ना हो, किसी ने चीटिंग की हो या डिवाइन की मर्जी रही हो, कुछ भी क्यों ना रहा हो, लेकिन ये पर्सन राइट नाउ खुश तो नहीं है। इतना तो यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हम अपनी रीडिंग पर आते हैं। हमारी रीडिंग थी कि क्या उन्हें आपकी फिक्र है, तो आप गाइज यहाँ पर एक चीज देखिए, अब हम और आगे एनर्जीज पर चलेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या आपके पर्सन को आपकी फिकर है। यहां पर सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है सिक्स ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखाता है कि आप लोग, हो सकता है कि एक एज के हो सकता है आप लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहे हो पास्ट में, लवर्स तो आप लोग हो ही, लेकिन आप लोगों की फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी रही है। ठीक है, और आपकी पर्सन आपको काफी ज्यादा गिफ्ट्स दिया करते थे या आप अपने पर्सन को काफी ज्यादा गिफ्ट्स दिया करते थे। इसके अलावा आप लोगों को कनेक्शन बहुत अच्छा रहा है, बहुत स्वीट मेमोरीज रही हैं, बहुत प्यारी मेमोरीज को आपने क्रिएट किया है, काफी अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया है। तो आपके पर्सन की जहां इतनी दर्दनाक एनर्जीज निकल कर आई है, वहां सिक्स ऑफ कप्स का निकलना मतलब आपके पर्सन जब भी इतनी तकलीफ में होते हैं तो ये आपके साथ बिताई हुई उन पुरानी बातों को याद करते हैं, जिससे आपके पर्सन को क्या मिलती है, हीलिंग मिलती है, खुशी मिलती है। यानी कि ये पर्सन इस हद तक आपको चाहता है कि इतने दर्द में होने के बाद भी अगर इसके जिंदगी में दो पल सुकून के आते हैं तो वो तब आते हैं जब ये आपसे, आपके साथ बिताई हुई पुरानी बातों को याद करते हैं। ठीक है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में आप कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स निकल कर आए, यानी कि आपकी ही पास्ट पर्सन है और ये पास्ट की मेमोरीज में ही डूबे रहते हैं, ठीक है। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे, अगर ये आपसे सेपरेशन में है और फिर भी सिक्स ऑफ कप्स निकल कर आए, इसका मतलब है कि आप लोगों ने पास्ट में जो भी अच्छी अच्छा टाइम जो भी आपने स्पेंड किया है, उन सारी मेमोरीज को आपके पर्सन कहीं ना कहीं याद करते हैं, बहुत याद करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। पास्ट लाइफ लवर भी हो सकते हो, सोलमेट्स भी हो सकते हो आप लोग। इसके अलावा यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन उसी पर्सन के साथ हमेशा शादी के ख्वाब देखते रहते हैं जिसके साथ इन्होंने ये जिंदगी अभी तक अपनी अच्छी वाली जिंदगी स्पेंड की है, ठीक है। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, आपकी शादी हो चुकी है इस व्यक्ति के साथ, तो भी आप लोगों ने जब शादी हुई आपकी तो अब आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है और आपके पर्सन उस टाइम को काफी ज्यादा याद करते हैं, ठीक है। ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए होती है। जब भी मैं बोलती हूँ कि शादी के बारे में सोचते हैं तो आप ऐसे लिया कीजिए कि शादी अच्छे होने के बारे में सोचते हैं जो मैरिड हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तभी भी आपके पर्सन आपके साथ बिताई हुई सारी बातों को याद करते हैं, ठीक है, और वो आपके साथ रिश्ते को अच्छा करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर आप लोग शादी नहीं हुई है तो भी आपके पर्सन के लिए जब भी शादी के पर्पस से कोई भी दिमाग में आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। इसका मतलब है गाइस कि इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, ठीक है। तो आपके बिना दूर रहकर हमने देख लिया कि आपसे दूर रहकर तो खुश नहीं है, आपके बिना तो खुश नहीं है। इसके अलावा आपको याद कर रहे, ये दो एनर्जीज दिखा रही हैं कि आपको ही याद करे, इट मीन्स कि आपसे प्यार बहुत करते हैं, ठीक है, ये भी यहाँ पर पता चल गया। इसके अलावा गाइस आपके पर्सन ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि आप उनकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन हो जो काफी, आपने शायद कहीं ना कहीं अपने पर्सन को इंडिपेंडेंसी का एहसास कराया है। आपके पर्सन के जो डिसीजंस होते हैं मेनली वो दूसरों के दिमाग पर बेस्ड होते हैं, या फिर ये समाज को, इमेज को देखकर काफी डिसीजन लेने वाले पर्सन हैं। इनका ऐसा रहता है कि खुशियों को सेक्रीफाइस कर दो, लेकिन लोगों के लिए करना है, फैमिली के लिए करना है, समाज के लिए करना है। लेकिन आप ऐसे पर्सन हो अपनी, आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है, जो हर समय इस तरीके से रहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सबसे बड़ी बीमारी वो होती है ना कि लोग क्या कहेंगे, तो बेसिकली आप उनमें नहीं आते जो ये सोचता हो कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। आप इस लाइन से बहुत दूर हो, क्योंकि जो इंसान ये लाइन को सोचकर लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो फिर वो समाज को तो खुश कर लेते हैं लेकिन वो अपनी खुशियों को कहीं ना कहीं खो देते हैं। और एक टाइम जब उनके पास ही खुशियां नहीं है उनकी, तो एक टाइम ऐसा आता है कि दो साल चार साल वो इंसान खुश, मतलब वो इंसान काट लेता है, लेकिन पांचवी साल में जाते ही उस इंसान का मन भर जाता है और उसके बाद वो प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। एक उससे बाद जब आपके लाइफ में वो प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है तो फिर समाज का मुंह चलना स्टार्ट हो जाता है कि अरे उसकी जिंदगी में तो ऐसा हो गया, उसकी जिंदगी, तो मतलब लोग तो किसी भी पॉइंट पर आके बोलेंगे, किसी भी एज में आकर अब वो आपसे आकर बोल देंगे जब भी आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही होगी। तो इसीलिए हमेशा ही समाज को देखकर डिसीजन लेना एक सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर आप खुशियों को देखकर डिसीजन लेंगे तो ऐसा जरूर हो सकता है कि आप इतना खुश होकर दिखा दें लोगों को कि लोगों को लगे कि हाँ वो तो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहा है। तो आप अपने पर्सन की लाइफ में एक ऐसे इंसान हो जो इंडिपेंडेंट जीना पसंद करता है। इस लड़की को देखिए, ये खुद में कंप्लीट है, खुद में खुश है, खुद में ही बहुत सेटिस्फाइड है, ठीक है, मतलब हर तरीके की एनर्जीज में इस इंसान को रहना भी आता है। तो आपके पर्सन आपको इस तरीके से ही देखते हैं, ठीक है, आपने कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये चीज सिखाई है। इसके अलावा आपके पर्सन को वो जो भी आपके पर्सन है वो आपको कहीं ना कहीं एज अ हीलर भी देखते हैं, ठीक है। जब भी आपके पर्सन तकलीफ में रहे हैं इस तरीके की, तब आपने अपने पर्सन को हील किया है, आपने अपने पर्सन को कहीं ना कहीं समझाया है, ठीक है। तो एक वो होता है ना कि हम लोगों को कभी भी भगवान का दर्जा नहीं दे सकते, गॉड का दर्जा नहीं दे सकते, लेकिन कभी कोई ऐसा इंसान जब हम बहुत तकलीफ में होते हैं और ऐसे में हमारी आकर मदद करे या हमें थोड़ा सा भी रास्ता दिखाए, तो फिर हम उसको काफी दिल से मानने लगते हैं, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए एंजल था या एंजल थी जिसने मुझे इस तकलीफ में थोड़ा सहारा दिया, ठीक है। तो वो उस पर्सन की वैल्यू इंसान के मन में बढ़ जाती है। तो बेसिकली जब भी आपके पर्सन बहुत तकलीफ में रहे तो आपने अपने पर्सन को हील करने की कोशिश की, उनके दुख को कम करने की कोशिश किया, तो आपके पर्सन के लिए भी आप किसी एंजल से कम नहीं हूं।
ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको। तो ये भी यहाँ पर दिखाई दे, तो इसका मतलब कि आपके पर्सन आपको रिस्पेक्ट भी करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो शायद इंसान जताए ना, जो आपको बताए ना, लेकिन उसके मन में होती हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पर निकल कर है। इसके अलावा आपके पर्सन हमेशा ही ऐसा सोचते हैं कि उनको आप ही की तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है, अभी भी आपके पर्सन की करंट एनर्जी इसमें तीन तीन एक्शन के कार्ड निकल कर आए, चैरियट, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वेंड्स। ये तीनों कार्ड दिखा रहे गाइस, ये तीनों कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन हमेशा ही एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं या आपकी तरफ ही बढ़ने के बारे में ये इंसान हमेशा सोचता है। तो इसको आपकी फिक्र बहुत ज्यादा है क्योंकि ये इंसान आपसे प्यार बहुत करता है। यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की लाइफ में दुख दिखाई दिया, उसके अलावा आपके साथ प्यार दिखाई दिया, आपके साथ शादी मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शादी सही हो जाए, आप लोगों का शादी का रिश्ता सही हो जाए, वो मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे, और आप ही की तरफ बढ़। यहां से देखिए गाइज, यहां से रीडिंग स्टार्ट हुई थी चैरियट से। ये ट्रैवलिंग का कार्ड होता है। कास्ट डिफरेंस आप लोगों का हो सकता है क्योंकि आप ब्लैक एंड व्हाइट प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये भी एक्शन का कार्ड है। नाइट ऑफ वेंट्स पर यहां से रीडिंग स्टार्ट हुई है, नाइट ऑफ वेंट्स पर जाकर रीडिंग खत्म हुई है। मतलब यहां से एक्शन है और यहां से भी एक्शन है। इसका मतलब है कि आपके पर्सन हमेशा ही आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, ये इंसान मजबूरियों में हो सकता है, इतने तकलीफ में होने के हो सकता है, तो ये आ ना पा रहा हो आपकी तरफ, लेकिन इसके माइंड में हमेशा यही रहता है कि ये हमेशा आपकी तरफ ही आगे बढ़े। यहाँ पर मुझे क्लियरली पूरी रीडिंग में एक ही चीज दिखाई दे रही है जो मुझे समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा इनका जो एक रहता है माइंडसेट, वो यही रहता है कि आपकी तरफ ही जाना है। यहां से भी आपकी तरफ आ रहे हैं, यहां से भी आपकी तरफ आ रहे हैं, और यहां से भी आपकी तरफ आ रहे हैं। यहां से प्यार की एनर्जी है, कप्स की एनर्जी, यहां से अट्रैक्शन की एनर्जी है, फायरी एनर्जी है। ठीक है, अट्रैक्शन भी जबरदस्त है, प्यार भी जबरदस्त है, और ये आपके लिए पता है गाइस किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद चैरियट एक्शन, क्योंकि चैरियट बहुत मतलब बड़ा कार्ड होता है। ठीक है, और चैरियट जब एक्शन मतलब चैरियट एक्शन जब निकल कर आता है तो फिर ये इंसान इस तरीके से सोचता है कि मतलब एक बार एक्शन लिया तो फिर लिया। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज में निकल कर आया, तो इसका मतलब है कि इंसान जब आपसे इतना ज्यादा प्यार करता है तो डेफिनेटली आपकी फिक्र ये करता है, क्योंकि यहाँ पर लव भी है, यहाँ पर अट्रैक्शन भी है, यहाँ पर आपके लिए कुछ भी कर देने का जुनून भी है, यहाँ पर पास्ट की मेमोरीज भी है, यहाँ पर शादी भी है, यहाँ पर हीलिंग भी है। आपको वो हरी तरीके से देखते हैं गाइस, जो भी आपके पर्सन हैं। चलिए यहां से लेते हैं क्या निकलता है, करेंट फीलिंग्स देखते हैं। यहां से सेक्सुअल फ्रीडम, जैसे मैंने कहा था ना गाइस, अट्रैक्शन है। ठीक है, सेक्सुअल फ्रीडम का कार्ड भी निकल कर आया है, डिवाइन मैस्कुलिन। मैंने आपसे बोला था रीडिंग में कि ये मुझे स्पिरिचुअल कनेक्शन दिखाई दे रहा। ठीक है, और डिवाइन मैस्कुलिन निकल कर आए हैं। ये इंसान आपसे डेफिनेटली प्यार करता है, बहुत प्यार, प्यार भी करता है, फिकर भी करता है, जताता नहीं है, बस दिखाता नहीं है, जताता नहीं है, जताती नहीं है, लेकिन करता है। सेक्रेट वूमेन, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ये आपकी। ठीक है, आपको काफी ज्यादा एडमायर करते हैं और आपको बहुत प्योर हार्ट पर्सन समझते हैं। यहाँ से भी शिवलरी निकल कर है, अभी मैं क्या ही बोलूँ, अब तो कुछ कहना ही नहीं बनता गाइस। यहाँ से भी कार्ड एक्शन का आया है। मतलब आपके पर्सन कुछ ऐसे हैं गाइस कि अगर इनको कोई बांधे ना, रोके ना, तो ये हमेशा भागे आपकी तरफ। ठीक है, अगर इन पर कोई बंदिश ना हो, कोई तकलीफ ना हो, अगर रोकने वाले लोग ना हो, तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 शिवलरी भी निकल कर आए, चौथा कार्ड यहाँ पर एक्शन का। यहाँ पर भी देखिए इंसान बुके लेकर आप ही की तरफ आ रहा है। इसका मतलब है कि आपके पर्सन हमेशा ही आपकी तरफ आने के बारे में सोचते हैं क्योंकि आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये जानते हैं कि आपका हार्ट चक्रा ओपन है, आप कभी किसी को एवं पेन नहीं देते, आप कभी किसी को इतना तकलीफ नहीं देते। और ये गाइज आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी है यहाँ पर। ठीक है, ये आपको डेफिनेटली इतना ज्यादा रिस्पेक्ट करते, इतना ज्यादा लव करते हैं, इतना ज्यादा अट्रैक्शन है यहाँ पर, यहाँ पर सब कुछ प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी फिक्र भी बहुत करते हैं। ठीक है, ये आपकी फिक्र भी बहुत करते हैं। एक दो कार्ड्स यहाँ से लेते हैं गाइस, क्या निकलता है। मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन, सॉलिट्यूड, ओके, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, लव बिगिंस,
हारमनी हारमनी एंड पैशन इग्नाइटेड. ओ माई गॉड, यहाँ से दाइज, यहाँ से देखिए क्या है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेज, और यहाँ से शैडो. ओके ये कार्ड रह गया था क्या? ओके कोई दिक्कत नहीं है, बेस चक्रा. ओके तो यहाँ पर गाइज, यहाँ पर भी देखिए हार्मोनियस कनेक्शन आपके साथ फील करती है, डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, पैशनेट हैं आपकी तरफ, ठीक है, आप इनकी सारी विशेस को पूरा करते हो, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है, आप इनकी सारी विशेस को पूरा करते हो. लव बिगिंस का कार्ड है, अनकंडीशनल लव आपके साथ, न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, पार्टनरशिप आपके साथ करना चाहते हैं, ठीक है. यहाँ पर गाइज, अब मुझे और कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर पेस चक्रा भी था और यहाँ हार्ट चक्रा भी था, स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी भी थी, सेलिब्रेशन की भी एनर्जी थी, यहाँ प्रॉस्पेरिटी बिगिंस की भी एनर्जी थी, यहाँ पर चैरियट भी था, यहाँ पर लाइट भी थी, यहाँ टर्म सक्सेस भी था, यहाँ थ्रॉट चक्र बात की एनर्जी थी, एट ऑफ वेंड्स मैसेज की एनर्जी थी. यहाँ पर जितने कार्ड्स निकल कर आए ना गाइज, ये पर्सन आपके ऊपर पूरी तरीके से, पूरी तरीके से ये पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट करता है और आपसे बहुत प्यार करता है. ये जो भी है, यहाँ जितने कार्ड्स निकल कर आए, शेडो की एनर्जी है, ठीक है. शेडो दिखा रहा है कि आपको ऐसे देखते हैं कि आप इनकी परछाई हो, मतलब ये आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपको एक परछाई की तरह देखते हैं अपनी. सॉलिट्यूड दिखा रहा है कि आपके पर्सन इस प्यार के बिना काफी अकेला महसूस करते हैं. देखिए ये इंसान अकेला बैठा हुआ है क्योंकि आप नहीं हो अभी इनके पास, इनके पास इनकी हार्मनी नहीं है जो आपसे आती है, ठीक है. और यहाँ पर ये भी दिखा रहे कि दिन भर आपके बारे में सोचते हैं, बहुत कंटिन्यूअसली जगल करते हैं, कंटिन्यूअसली आपके बारे में सोचते हैं. इसका मतलब है गाइस कि इंसान को बहुत फिक्र भी है आपकी, क्योंकि इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, और जो इंसान प्यार करता है वही फिक्र भी करता है. तो ये गाइज आपकी रीडिंग निकल कर आई है यहाँ पर, ठीक है. सो गाइज, ये है आपकी रीडिंग, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. अगर आपकी रीडिंग पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू गाइज.